से वर्ल्ड फैक्ट्री का ताज छीनने के बाद बेकरार भारत को जोरदार सफलता हासिल हुई है। दरअसल भारत अभी तक केवल सेमीकंडक्टर के आयात पर निर्भर है। इनका निर्माण देश में न होने से भारत एप्पल आईफोन के भी केवल हाईटेक असेंबलिंग यूनिट बनकर रह गया है। अब इनका भारत में 100% निर्माण संभव होने वाला है। इसकी वजह है कि सेमीकंडक्टर सेक्टर की दिग्गज अमेरिकी कंपनी माइक्रोन टेक्नोलॉजी इंक भारत में कई सेमीकंडक्टर असेंबली और पैकेजिंग यूनिट बनाने के लिए तैयार है। इसकी जानकारी इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने दी है। माइक्रोन टेक्नोलॉजी का फैसला लॉन्ग टर्म में भारत को सेमीकंडक्टर्स के लिए एक बड़े मार्केट और मैन्युफैक्चरिंग डेस्टिनेशन के तौर पर स्थापित करने का है। भारत में सेमीकंडक्टर फैब का प्लांट लगाने के लिए माइक्रोन के पहले निवेश ने भारत में कंपनी को आगे की योजनाएं बनाने का फैसला करने में मदद की है। सेमीकंडक्टर फैब प्लांट की सफलता के बाद माइक्रोन भारतीय बाजार में पूरी ताकत से कूद पड़ेगी। इससे भारत के बाजार को लेकर नापतोल कर रही दूसरी कंपनियों को भी देश के सेमीकंडक्टर सेक्टर में उतरने का हौसला मिलेगा। सरकार भी माइक्रोन के पहले प्लांट के शुरू होने में काफी मदद कर रही है, क्योंकि इस नए सेक्टर में दूसरी कंपनी को लुभाने में ये मददगार होगा। फिलहाल अगर बात करें माइक्रोन के भारत में पहले निवेश की, तो कंपनी ने गुजरात के साणंद में सेमीकंडक्टर असेंबली, टेस्टिंग, मार्किंग और पैकेजिंग यानी ATMP यूनिट लगाने के लिए $800 मिलियन के निवेश का ऐलान किया है। मौजूदा दशक के दूसरे हाफ में माइक्रोन भारत में अपनी निवेश योजनाओं को विस्तार देने की तैयारी में जुट गई है। कंपनी की योजनाओं की जानकारी रखने वालों का कहना है कि पहली यूनिट के शुरू होने के बाद ऐसी और यूनिट सामने आएंगी। सरकार का कहना है कि नीतिगत ढांचे के दम पर दुनिया की एक दिग्गज सेमीकंडक्टर कंपनी भारत में आ गई है। इसके बाद अब दूसरी ग्लोबल कंपनियां भी भारत आने में दिलचस्पी दिखा रही हैं। सरकार माइक्रोन को करीब $1.95 अरब की वित्तीय मदद दे रही है, जिससे प्रोजेक्ट में कुल निवेश $2.75 अरब का हो गया है। इस निवेश से 5,000 से ज्यादा नई प्रत्यक्ष नौकरियां पैदा होने की उम्मीद है और भारत में पहली चिप दिसंबर 2024 तक आने की उम्मीद है। उधर कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग फर्म और एप्पल की सबसे बड़ी सप्लायर फॉक्सकॉन ने भी भारत में अपना फोकस बढ़ा दिया है। फॉक्सकॉन इंडिया के प्रतिनिधि वीली ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर बताया है कि कंपनी भारत में अपने निवेश और कर्मचारियों की संख्या को बढ़ाकर दोगुना करने जा रही है। कंपनी ने अगले एक साल के अंदर इस योजना को अमली जामा पहनाने की बात कही है। इससे न केवल भारत को आत्मनिर्भर बनने में सहायता मिलेगी, बल्कि वर्ल्ड फैक्ट्री के तौर पर चीन की जगह लेने की कोशिशों को भी बड़ा बूस्ट मिलेगा। वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।